गाजा पट्टी के बैटलफील्ड में बमबारी अब भी जारी है। हमास के हमले और इसराइल के एक्शन के बाद की तबाही का अंदाजा अब छठा दिन बाद लगना शुरू हुआ है। इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई के बाद दुनिया इसराइल के इंतकाम को देख रही है। हर बीतते दिन के साथ गाजा की बस्तियां खाक होती जा रही हैं। शहर इमारतों का कब्रिस्तान नजर आ रहा है। आसमान में बारूद का बादल छाया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने गाजा को गर्त में मिलाने की खुली छूट दे दी है। गाजा पट्टी को हर तरफ से सील कर दिया गया है। पूरा शहर इसराइली एयर स्ट्राइक से तबाह हो चुका है। आतंक की धरती अब धड़क रही है। इसराइल ने हमास के हजारों ठिकानों को मलबों का ढेर बना दिया है और इसराइल का ये ऑपरेशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जाता। इसराइल की फौज गाजा पट्टी में कोहराम मचा रही है। खबर है कि इसराइल की 3 लाख फौज गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए भी तैयार है।